स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। बात करेंगे इस वीडियो में एमटीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100 के करीब क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ में अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज आप उस चीज के कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि बाकी भी उस क्वेश्चन का आंसर जो है सही कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया हमारे पास, हाउ मैनी काइंड ऑफ मेल बैग्स आर देयर। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सारे का सारा जो रिविजन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो मेल बैग है वो कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, यह आएगा हमारे पास सी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टेशन, सोर्टिंग और कंबाइंड मेल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बीट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीट शब्द, जो है गश्त शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गया आरएमएस सेक्शन। नेक्स्ट बोला गया बीपीएम्स हैविंग डिलीवरी वर्क, पोस्टमैन एंड जीडीएस डिलीवरी एजेंट्स। डिलीवरी का काम करने वाले बीपीएम, पोस्टमैन और जीडीएस डिलीवरी एजेंट्स, मेल ओवरसीज और ऑल ऑफ दी वव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, आएगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी वव। इन सभी के लिए बीट शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही है। टू लेट लेटर्स आर स्टैम्प्ड, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड एंड डिटेन्ड टिल दी नेक्स्ट डिस्पैच। यहाँ पे बोला कि जो अति विलंबित पत्र होते हैं, टू लेट आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती है, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड, और क्या किया जाता है, उनको अगले प्रेषण तक रोक के रखा जाता है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे बोली गया, टू लेट आर्टिकल्स आर स्टैम्प्ड, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड एंड डिस्पैच अलोंग विद लेट लेटर्स। यहाँ पे बोला गया कि उनके ऊपर डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप लगाई जाती है और उनको क्या किया जाता है, जो लेट लेटर्स होते हैं, विलंबित पत्र होते हैं, उनके साथ उनका प्रेषण कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन क्या बोली गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट या फिर नन ऑफ दी वो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास ए, फर्स्ट इज ओनली, जो हमारे पास पहली ऑप्शन है सिर्फ यही करेक्ट है। डिटेन्ड लेट फी नोट पेड, इनको अगले प्रेषण तक रोक के रखा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इज सब ऑफिस सिचुएटेड इन ए टाउन और इट्स सबर्ब्स, वेयर देयर इज आल्सो ए हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज। किसी नगर या उसके उपनगर में स्थित एक उप कार्यालय या उप डाकघर, जहां पर प्रधान डाकघर भी हो, उसको क्या कहा जाता है, सिटी सब ऑफिस, टाउन सब ऑफिस, सिटी ब्रांच ऑफिस या फिर टाउन ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। बीच ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन क्या बोली गई, दी फेस ऑफ एन आर्टिकल इज दी साइड ओन बिच दी एड्रेस इज रिटन। तो यहाँ पे बोला गया कि किसी भी आर्टिकल का मुख उस साइड को कहा जाएगा जिस साइड में उस आर्टिकल के ऊपर पता लिखा गया है। द टर्म फेसिंग मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड अपवर्ड्स एंड द एड्रेस इज टर्न्ड इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा क्या बोला गया कि फेसिंग, सम्मुखन शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि आर्टिकल्स का इस तरह से अरेंजमेंट करना ताकि उनके एड्रेस साइड है, जो पते वाला भाग है, वो ऊपर की तरफ आ जाए और जितने भी पते लिखे हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में आ जाए। तीसरा बोला गया हमारे पास, द साइड ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच द एड्रेस इज रिटन कोल्ड फेसिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस साइड आर्टिकल के ऊपर पता लिखा जाता है उसको सम्मुखन कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड अपवर्ड एंड द एड्रेस इज टर्न्ड इन द सेम डायरेक्शन इज कोल्ड फेस। और दूसरा बोला गया है कि आर्टिकल्स को अरेंज इस तरह करना कि उनका एड्रेस साइड अपवर्ड की तरफ आ जाए, और दूसरा बोला गया है कि जितने भी पते हैं वो एक तरफ आ जाए तो उसको फेस कहा जाएगा, उसको मुख कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन ये सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, The key of the case transit bag is forwarded through। जो हमारे पास केस ट्रांजिट बैग है उसकी जो चाबी भेजी जाती है, जो की भेजी जाती है, वो कैसे भेजी जाती है। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गए, इंश्योर्ड पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस, डाकघर के माध्यम से बीमित डाक द्वारा भेजी जाएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस, डाकघर के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी, इन सील्ड कवर, नन ऑफ दी वव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, आएगा हमारे पास सी, इन अ सील्ड कवर, इसको एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फीस फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इन IPPB प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो यहाँ पे बोला गया कि उसके शुल्क, उसके लिए जो शुल्क लिया जाएगा या चार्जेस जो लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हैं,
₹50 इंक्लूसिव ऑफ GST, GST सहित ₹50, GST सहित ₹60, ₹70 या फिर ₹50। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, यह आएगा हमारे पास सी, ₹70 इंक्लूसिव ऑफ GST, GST सहित आपके ₹70 इसके ऊपर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फीस फॉर ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। तो बचत खाते को, सेविंग अकाउंट को अगर एक डाकघर से दूसरे डाकघर में आपने ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, कितने उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गया ₹100, ₹20, ₹50 या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा हमारे पास ए, ₹100 लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन। विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में जो पता लिखा जाना चाहिए वो कैसे लिखा जाना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गई है, रोमन लेटर्स एंड फारसी अंकों में, दूसरा बोला गया कैपिटल लेटर्स एंड इन अरबिक फिगर्स, तीसरा बोला गया रोमन लेटर्स एंड कैपिटल फिगर्स, रोमन लेटर्स एंड इन अरबिक फिगर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास डी, रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स में लिखा जाएगा, रोमन अक्षर और अरबी अंकों में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस क्या बोली गए, हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड ए नंबर ऑफ स्मॉलर ऑफिसेस कॉल्ड सब एंड ब्रांच ऑफिसेस which have been placed under its account jurisdiction। तो यहाँ पे क्या बोलेगी कि जो प्रधान कार्यालय होता है, जो हेड ऑफिस होता है, ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें ये खुद भी आता है और इसके अंडर छोटे पोस्ट ऑफिस जिन्हें हम ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर सब पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं, जिनको इसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है। सेकेंड क्या बोला गया हमारे पास, हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस consisting of itself and a number of smaller offices called sub and branch offices which have been placed under its administrative jurisdiction, जिनको इसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट बोला गया the officer in charge of a head office is designated as head postmaster। जो हमारे पास head post office होता है उसका जो प्रभारी अधिकारी होता है वो कौन होता है, हेड पोस्टमास्टर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है, बट सेकंड ऑप्शन गलत है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन के अंडर नहीं रखा जाता है, अकाउंट्स ज्यूरिडिक्शन के अंडर रखा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शंस क्या बोली है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और हमारे पास थर्ड जो है वो सही है, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन सही होगी, यहाँ पे फर्स्ट है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पर्सन चेंजिंग देयर एड्रेस शुड फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स रिसीव्ड टू देयर एड्रेस। तो यहाँ पे बोला गया कि अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को अपने पते पर प्राप्त डाक वस्तुओं के निपटान के संबंध में लिखित निर्देश जो है वो किसको देने चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गया टू द पोस्टमैन एट द प्लेस विच दे आर लिविंग ओनली। जो डाकिया होता है हमारे पास, जिस स्थान को वो छोड़कर जा रहे हैं उस स्थान पर जो डाकिया है उसको देंगे, टू दी पोस्ट ऑफिस एट दी प्लेस बिच दे आर गोइंग, या फिर उस पोस्ट ऑफिस को जिस जगह पे वो जा रहे हैं वहां पर जो पोस्ट ऑफिस है उसको देंगे। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास टू दी पोस्ट ऑफिस बोथ एट दी प्लेसेस टू बिच दे आर लिविंग एंड एट दी प्लेस बिच दे आर गोइंग। तो दोनों ही जगह पर देंगे वो जाके, ठीक है, जिस जगह को वो छोड़ के जा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस को भी, और जिस वो नई जगह पे जाएंगे उस पोस्ट ऑफिस को भी, दोनों जगह को देंगे। नेक्स्ट बोला गया टू दी लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज बोथ एट दी प्लेसेस टू बिच दे आर लिविंग एंड एट दी प्लेस बिच दे आर गोइंग, या फिर बोला गया कि स्थानीय गवर्नमेंट जो होगी स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों को देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सही आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पूछा गया कि किसको वो इंस्ट्रक्शन देंगे, तो दी पोस्ट ऑफिस एट बोथ द प्लेसेस टू विच दे आर लिविंग एंड एट द प्लेस विच दे आर गोइंग। तो दोनों ही पोस्ट ऑफिस को देंगे, जिस स्थान को वो छोड़कर जा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस को भी, और जिस नई जगह पे वो जा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस को भी वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन इस चीज के बारे में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन क्या बोली गई है, इन केस वेयर द ट्रांसमिशन और अ डिलीवरी ऑफ लेटर वुड बी डिलेड बाई दी डिस्पैच और डिलीवरी एट द सेम टाइम ऑफ सच आर्टिकल्स मे बी हेल्ड बैक इन द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन डे। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास,
कि देखिए हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास लेटर्स हो गए, तो उनके अगर उनकी ट्रांसमिशन या डिलीवरी में, उनके वितरण या फिर प्रेषण में देरी हो रही हो, और देरी किस वजह से हो रही हो, यहाँ पे हमें बताना है कि किसकी बुकिंग या हमारे पास प्रेषण की वजह से या डिलीवरी की वजह से देरी हो रही हो, तो उन आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई हैं, बुक्स पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या फिर पार्सल्स। तो देखिए अगर हमारे पास पार्सल है और बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट है, इन दोनों की डिलीवरी या डिस्पैच की वजह से आपके लेटर्स जो हैं उनके ट्रांसमिशन में या डिलीवरी में देरी हो रही हो, तो उनको पोस्ट ऑफिस में एक दिन के लिए रोक के रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, EMO बिल वी पेड टू, जो EMO है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, ये किसको दिया जाएगा। पेरेंट्स ऑफ द पे इफ पे नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस, प्राप्तकर्ता के माता पिता को दिया जाएगा यदि प्राप्तकर्ता पते पर मौजूद नहीं है। वाइफ हस्बैंड ऑफ द पे, प्राप्तकर्ता के पति या पत्नी को दिया जा सकता है। एनी पर्सन और फैमिली मेंबर मेंबर रिसाइडिंग द एड्रेस इफ पे नोट प्रेजेंट, कोई भी व्यक्ति या परिवार का सदस्य जो पते पर रहता है यदि प्राप्तकर्ता वहां पर ना मिले। पे ऑफ द मनी ऑर्डर एट द एड्रेस, पते पर जो प्राप्तकर्ता है मनी ऑर्डर का जिसके लिए भेजा गया उसी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा डी, पे ऑफ द मनी ऑर्डर एट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग किराए पर लेने के संबंध में कौन सी ऑप्शन यहाँ पे हमें बतानी है सही है। नो रेंटर इज एंटाइटल्ड टू डिमांड दैट ए पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पार्टिकुलर नंबर और अ पोस्ट बॉक्स इन एनी पार्टिकुलर रो और पोजिशन शुड बी अलॉटेड टू हिम। तो यहाँ पे बोला गया कि जो रेंटर है पोस्ट बॉक्स का, वो इस चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर सकता है कि उसको किसी पार्टिकुलर नंबर का ही पोस्ट बॉक्स दिया जाए, दूसरा कि उसको किसी पार्टिकुलर रो में ये पोस्ट बॉक्स लगा के दिया जाए, तीसरा कि वो पोजिशन भी अपनी मर्जी की चाहता है, तो इस चीज़ के लिए वो डिमांड नहीं कर सकता है। The period of the rental of a post box commences from the first day of the month in which the post box is allotted. दूसरा बोला गया है कि जो post box है उसके rent की, उसके किराए की अवधि कब शुरू हो जाएगी, जिस month में post box को allot किया गया उसी मंथ की पहली तारीख से शुरू हो जाएगी, उसी मंथ के पहले दिन से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया है, इन द इवेंट ऑफ रेंटर ऑफ ए पोस्ट बॉक्स चेंजिंग हिज बिजनेस एड्रेस और शिफ्टिंग हिज ऑफिस टू अनदर प्लेस, ही शुड इनवेरिएबली इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ चेंज विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंजेस। यहाँ पे थर्ड बोला गया है कि अगर हमारे पास रेंटर जो है वो चाहता है कि अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करना चाहता है या शिफ्ट करना चाहता है अपना ऑफिस किसी दूसरी जगह पे, तो इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो संबंधित पोस्ट मास्टर को 15 दिन के भीतर दे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, इस चीज़ के लिए वो डिमांड नहीं कर सकता है कि उसको पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर रो या फिर पोजिशन में पोस्ट बॉक्स दिया जाए। दूसरा ना, जो हमारे पास पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि है वो कब से शुरू हो जाती है, जिस मंथ में पोस्ट बॉक्स अलॉट किया गया है उसी मंथ की पहले दिन से। तीसरा यहाँ पे क्या है हमारे पास बोला गया है कि ये गलत है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अगर कोई भी एड्रेस वो चेंज करना चाहता है, बिजनेस एड्रेस शिफ्ट करना चाहता है, तो इस चीज़ के बारे में उसको 7 दिन के भीतर भीतर पोस्ट मास्टर को सूचना देनी होती है, ना कि 15 दिन के भीतर। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा यह आएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, एज पर क्लोज 8 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट बने, फॉलोइंग डे इज टू बी ऑब्जर्व एज पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट बन के खंड 8 के अनुसार, तो यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा जो है रविवार छुट्टी के दिन में मनाया जाता है, यानी कि छुट्टी के रूप में कौन सा डे मनाया जाएगा। तो बर्थडे ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद बोला गया संक्रांति, दशहरा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास डी, बुद्ध पूर्णिमा पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज के रूप में मनाई जाती है। तो जितनी भी हॉलीडेज है उनके नाम जरूर याद रखना है, कौन कौन सी हॉलीडेज जो है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस इफ इट डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट। In this case, the word will be written by the postman across the cover. तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल आता है जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस पोस्ट ऑफिस को अभी देने हैं, बट जो एड्रेसी है, जो प्राप्त करता है, वो इन चार्जेस को देने के लिए बाध्य नहीं है अगर वो आर्टिकल की डिलीवरी नहीं लेना चाहता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर वो आर्टिकल नहीं लेना चाहता है तो वो आर्टिकल के ऊपर ड्यू चार्जेस देने के लिए बाध्य नहीं है। बट ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल के ऊपर वर्ड लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा,
ऑप्शन से आप क्या बोलेंगे, अनपेड, अनक्लेम्ड, रिजेक्टेड या फिर रिफ्यूज्ड। तो जो रिमार्क दिया जाएगा वो दिया जाएगा रिफ्यूज्ड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इन इंडिया पोस्ट द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड्स कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशंस राइट फ्रॉम मेल प्रेपरेशन टू मेल डिलीवरी, आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज लार्ज कंपनीज। तो इंडिया पोस्ट में वह उत्पाद जो मेल तैयार करने से लेकर मेल की डिलीवरी तक एक संपूर्ण मेलिंग समाधान प्रदान करता है, जो छोटे व्यवसायों के साथ साथ बड़ी कंपनियों के लिए भी आदर्शपूर्ण समाधान है, उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस पोस्ट, कॉरपोरेट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, कमेरिकल पोस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, बिजनेस पोस्ट कहा जाता है। बिजनेस पोस्ट में आपको क्या मिलता है, कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्री मेलिंग एक्टिविटीज भी आपको मिलती हैं, ठीक है, उसी का मतलब होता है कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इन बुक नाउ पे लेटर स्कीम बल्क कस्टमर इज डिफाइंड एज एनीवन हु प्रोवाइड्स रुपीज बर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट बिजनेस इन ए कैलेंडर मंथ एट ए स्पीड पोस्ट बुकिंग ऑफिस। यहाँ पे बोला गया कि बुक नाउ पे लेटर जो स्कीम है उसमें बल्क कस्टमर किसे माना जाएगा, किसे कहा जाएगा बल्क कस्टमर, थोक ग्राहक। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई है, जो 20,000 रुपए का स्पीड पोस्ट बिजनेस दे एक मंथ में, एक कैलेंडर मंथ में। दूसरा बोला गया 50,000, 10,000 या फिर 1,00,000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारे पास, सी, अगर कोई थोक ग्राहक किसे कहा जाएगा, जो भी व्यक्ति एक कैलेंडर माह में 10,000 रुपए का स्पीड पोस्ट का आपका बिजनेस देगा उसको कहा जाएगा थोक ग्राहक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, चूज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सही ऑप्शन हमें बतानी है, फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस और डैमेज और डिले ऑफ आउटसाइड आउटबाउंड इंटरनेशनल ईएमएस आर्टिकल। तो पहले ईएमएस की फुल फॉर्म बतानी चाहिए, एक्सप्रेस मेल सर्विस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है, अगर आपका कोई इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस वाला आर्टिकल है उसकी डैमेज या फिर लॉस के मामले में कंपनसेशन जो मिलती है, मुआवजा जो मिलता है, वो कैसे मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला गया, फॉर लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट पोस्टेज पेड सब्जेक्ट टू अपर सेलिंग ऑफ 30 SDR पर आइटम। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हमारे पास क्या होता है, जो आर्टिकल है वो गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए 30 SDR दिए जाएंगे। SDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट, ये भी याद रखनी है। दूसरा बोला गया डिले होने के मामले में, पहले हो गया कि हमारे पास लॉस हो गया या डैमेज हो गया, तब 30 SDR दिए जाएंगे। अगर डिले हो गया यानी कि उसकी डिलीवरी में देरी हो जाती है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट EMS एंड रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस, तो उसके लिए क्या दिए जाएंगे, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट चार्जेस और माइनस आपके किए जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपको दिया जाएगा। फॉर डिले डबल द पोस्टेज ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, यहाँ पे बोला कि अगर डिले हो जाती है तो स्पीड जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के चार्जेस बनते हैं उसके दो गुने आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट कंडीशन भी सही है, लॉस और डैमेज के लिए 30 SDR, और दूसरी ऑप्शन भी सही है हमारे पास कि अगर हमारे पास देरी हो जाती है तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी इन सेम स्टेट आर, एक ही राज्य में बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक स्पीड पोस्ट ले की डिलीवरी के लिए जो सेवा मानक है, यानी कि कितने दिन के भीतर आपका आर्टिकल डिलीवर हो जाएगा बुकिंग के बाद। ऑप्शंस क्या बोली गई, 5 दिन, 1 से 4 दिन, 5 से 7 दिन या फिर 6 से 7 दिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 से 4 दिन के भीतर आपका आर्टिकल डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया IPPB इज, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है बोला गया कि क्या है, पब्लिक फंडेड प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक वित्त पोषित निजी बैंक, बैंक विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के स्वामित्व वाला 100% इक्विटी वाला बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिकली ट्रेड बैंक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, बैंक विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है बार बार, कभी आपका रेड आएगा कभी ब्लू बोला जाता है। तो कलर ऑफ फ्रैंकिंग इंप्रेशन,
फ्रैंकिंग इम्प्रेशन का रंग क्या है। तो अभी एक क्वेश्चन पेपर हमने पहले किया था, उसमें आपकी ब्लू ऑप्शन ऑप्शंस में ही नहीं थी, यानी कि आपकी इन ऑप्शंस में दिया ही हुआ नहीं था, तो उसका रेड दिया हुआ था तो रेड वहाँ पे किया। अब यहाँ पे भी क्या बोला गया, ग्रीन, येलो, ब्राउन या फिर ब्लू, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि इसमें रेड तो दिया ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से कि क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, दी कॉस्ट टू अल्टर दी पे नेम ऑफ मनी ऑर्डर, तो यहाँ पे मनी के साथ आगे ऑर्डर भी है कि मनी ऑर्डर का अगर आपने पे जो है उसका नाम चेंज करना है, यानी कि जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा है उसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे वो कितने लगेंगे, फुल कमीशन, नो पेमेंट, हाफ कमीशन, कैन नोट बी अल्टर्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास फुल कमीशन, यानी कि जितना पहले कमीशन लगा था उतना अब लगेगा, ठीक है, जो भी नया कमीशन वो आपको देना पड़ेगा। Which of these services is not available in e-post office? इनमें से कौन सी सेवा e-post office में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे बोली गया flatly, EIPO, उसके बाद बोला गया गंगा जल या फिर PLI प्रीमियम कलेक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, PLI प्रीमियम कलेक्शन। Which of the following service is not available in IPPB mobile एप्लीकेशन, तो निम्न में से कौन सी सेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई है, पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा बोला गया है पे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पे PLI रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम UPID। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, PLI प्रीमियम आप जमा नहीं कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MDG, मुख्य डाकघर की यहाँ पे MDG की फुल फॉर्म पूछी गई है, वो मैंने आपको बता दी, मुख्य डाकघर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके साथ बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि MDG क्या होता है, आपका HO है, आपका SO है या फिर BO है। तो देखिए आपका जो MDG है मुख्य डाकघर, ये SO का प्रकार है, सब ऑफिस का प्रकार है, और दूसरा है हमारे पास प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस, प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस का प्रकार है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे MDG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मुख्य डाकघर, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, दी चार्जेस इनकर्ड फॉर अ पोस्ट ई पोस्ट फॉर ई पोस्ट A4 साइज, तो यहाँ पे बोला गया कि A4 साइज का जो पेज होता है उसकी ई पोस्ट की कीमत क्या है, 10 रुपये, 5 रुपये, 6 या फिर 4 रुपये, तो एक पेज की जो कीमत है वो 10 रुपये होगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हु इज दी अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर स्पेशल कवर, विशेष कवर के लिए जो अनुमोदन प्राधिकारी है या अप्रूविंग अथॉरिटी है वो कौन है, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, पोस्ट मास्टर जनरल, उसके बाद बोला गया है डायरेक्टर फ्लैटली या फिर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास डी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फुल फॉर्म ऑफ MMS, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, MMC और MMS दोनों की आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए जो MMS है यहाँ पे फुल फॉर्म्स क्या बोली गई है, मोटर मेल सर्विस, मिनी मोटर सर्विस, मेल मोटर सर्विसेज, नेक्स्ट बोला गया मोटर मिनी सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए जो MMS है इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, मोटर मेल सर्विस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास जो है ये सही हो जाएगी। अब दूसरी आती है MMC, MMC की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, मास मेलिंग सेंटर, तो दोनों ऑप्शंस आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, टू बीच ऑफिस इज एन आर्टिकल रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस किसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट करता है, पुनः निर्देशित करता है, तो वो कहाँ को करेगा, सॉर्टिंग ऑफिस को, एनदर डिलीवरी ऑफिस को, RMS ऑफिस को या फिर ट्रांजिट मेल ऑफिस को। तो अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस किसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट करता है तो वो किसी एनदर डिलीवरी ऑफिस को उसे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, पुनः प्रेषित करेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प्स ऑफ एट लीस्ट पोस्ट ऑफिसेस, प्रत्येक पत्र पैकेट या फिर पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर जो है लगनी चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हैं 4, 2, 1 या फिर 3, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास बी, 2 डाकघरों की मोहर लगनी चाहिए, एक ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, दूसरा ऑफिस ऑफ डिलीवरी, दोनों पोस्ट ऑफिस की इसके ऊपर एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, स्टैम्प्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हेन ए रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल और पार्सल इज रिसीव्ड इन इंडिया इन डैमेज कंडीशन, ए नोटिस विल बी सेंट बाई द पोस्ट मास्टर टू द एड्रेसी रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस विद इन, तो यहाँ पे हमें बताने कि विद इन केस ऑफ इनलैंड आर्टिकल एंड इन द केस ऑफ फॉरन आर्टिकल टू टेक डिलीवरी ऑफ इट।
तो यहाँ पे बोला गया कि जब भी पत्र मेल का या पार्सल मेल का एक पंजीकृत रजिस्टर्ड लेख क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है, पोस्ट मास्टर द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उसने अंतर्देशीय वस्तुओं के मामले में और विदेशी लेख के मामले में के भीतर डाकघर में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाएगा एड्रेसी से। कि हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, अगर कोई भी आर्टिकल आता है और उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब है, यानी कि वो डैमेज्ड कंडीशन में, क्षतिग्रस्त स्थिति में, तो पोस्ट मास्टर जो है इस चीज़ के लिए एक नोटिस भेजता है एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में आने का, जिसमें अनुरोध होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में आके अपना आर्टिकल देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास दो बोले गए हैं, एक बोला गया कि अगर इनलैंड आर्टिकल है तब कितने दिन के भीतर एड्रेसी को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जाती है पोस्ट ऑफिस में आने के लिए, दूसरा बोला गया कि फॉरन आर्टिकल के मामले में क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे बोली है कि अगर इनलैंड आर्टिकल है तो उसके लिए 5 दिन और अगर फॉरन आर्टिकल है तो 10 दिन दिए जाएंगे, 7 दिन या फिर 15 दिन, 7 days इन ईच केस या फिर 10 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। तो देखिए अगर आपका जो आर्टिकल है वो इनलैंड है तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में आने का, और दूसरा है आपके अगर फॉरेन आर्टिकल है तो आपको 15 दिन का समय मिलेगा पोस्ट ऑफिस में आके अपना आर्टिकल उसकी डिलीवरी लेने के लिए। Which of these services is not charged in IPPV? इनमें से कौन सी सर्विस के लिए IPPV में शुल्क नहीं लिया जाता है? Issuing vertical debit card. Next बोला गया digital life certificate, child enrollment, light client, यहाँ पे बोला गया sweep in या फिर sweep out post office। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास sweep in और sweep out करने के लिए कोई भी charges नहीं लगते हैं, आप post office saving bank की कॉपी में चाहे स्वीप आउट करिए चाहे बाहर से स्वीप इन करिए, कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी द कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस। यहाँ पे क्या लाइन बोली गया है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो कस्टमर की फर्स्ट चॉइस होने चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ इंडिया पोस्ट, तो ये इंडिया पोस्ट की कौन सी स्टेटमेंट है, यानी कि क्या मतलब है स्टेटमेंट का, मिशन विजन या फिर बोला गया कोर वैल्यू या फिर बोला गया स्ट्रेटेजिक गोल। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, ये इंडिया पोस्ट का मिशन है कि हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो कस्टमर की पहली चॉइस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट डिसकंटिन्यूड, निम्न में से कौन सी सेवा बंद नहीं हुई है, एक्सप्रेस पार्सल, फ्लैट रेट बॉक्स, मीडिया पोस्ट या फिर डाटा पोस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, मीडिया पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ इंडिया पोस्ट। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो आपको दूसरे क्वेश्चन का लेने हैं, IPPV कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद पोस्ट ऑफिस कस्टमर केयर नंबर, तीसरा आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पता होनी चाहिए। ये सारे ही आपको जरूर पता कर लेने हैं, कोई क्वेश्चन इनमें से अगर आ जाए तो आप उसको आसानी से कर पाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बोलेंगे, एट द रेट इंडिया पोस्ट, एट द रेट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, उसके बाद बोला गया एट द रेट इंडिया पोस्ट ऑफिस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास सी, एट द रेट इंडिया पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज प्रोहिबिटेड टू बी सेंट बाय मेल इन इंडिया, निम्न में से किन वस्तुओं को भारत में डाक के माध्यम से भेजना प्रतिबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है टीवी स्पूटम, प्ले कल्चर, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन या फिर गोल्डन बुलियन वर्थ 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी, गोल्ड बुलियन वर्थ 50,000, 50,000 रुपए का सोना या फिर बुलियन ये प्रोहिबिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, विच ऑफ दीज शेप्स ऑफ पार्सल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। देखिए यहाँ पे हमें बोला गया कि पार्सल की कौन कौन सी शेप जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो पहला यहाँ पे बोला गया कि फ्लैट पार्सल, सिलेंड्रिकल पार्सल, रेक्टेंगुलर पार्सल या फिर कोनिकल पार्सल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, कोनिकल पार्सल, यानी कि शंक्वाकार आपके पार्सल अगर होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आप उसको फ्लैट भेज सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकता है वो, रेक्टेंगुलर हो सकता है, बट आपका कोनिकल पार्सल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बीट फॉर अ पोस्टमैन इज, तो पोस्टमैन के लिए जो गश्त शब्द है उसका क्या मतलब है, ए पार्टिकुलर रूट, एक विशेष उसका मार्ग, रूट फॉलोड बाय ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से मार्ग का अनुसरण जो होता है वो, ए स्पेसिफाइड एरिया फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र या फिर एरिया मैंशनड इन दी एड्रेस, जो एड्रेस है उसको मैं जो भी एरिया मैंशन किया है वो। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास सी, ए स्पेसिफाइड एरिया फॉर डिलीवरी, जो भी निर्धारित एरिया होता है पोस्टमैन का डिलीवरी का उसको उसकी बीट में गिना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, मिस सेंट लेटर्स आर ट्रीटेड इन विच वे, जो हमारे पास मिस सेंट आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, सेंट आउट फॉर डिलीवरी, उनको डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा, सेंट बैक टू दी सोर्टिंग हब, उनको सोर्टिंग हब को वापस भेजा जाएगा, डायरेक्टली हैंडेड ओवर टू नियर बाई पोस्ट ऑफिस, डायरेक्टली उनको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस को दिया जाएगा, रिटेन्ड इन दी पोस्ट ऑफिस फॉर 3 days, या फिर उनको पोस्ट ऑफिस में 3 दिन तक रोक के रखा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास बी, सेंट बैक टू दी सोर्टिंग हब, उसको दोबारा से छंटाई हब में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, द साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन नोन एज, तो ये हम क्वेश्चन अब पहले भी कर चुके हैं, इसको फेस कहा जाएगा, मुख कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, अपर लिमिट फॉर सीओडी कलेक्शन अमाउंट फ्रॉम एड्रेस इन इंडिया पोस्ट, तो इंडिया पोस्ट में यहाँ पे पूछा गया कि कैश ऑन डिलीवरी वाला अगर कोई आर्टिकल है तो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, 20,000 रुपये, 50,000, 1,00,000 रुपये, या फिर नो लिमिट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास 50,000 रुपये तक का आप कोई भी सीओडी वैल्यू वाला आर्टिकल भेज सकते हैं। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ BNPL ड्यूज़, तो जो BNPL होती है, बी बुक नो पे लेटर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो भुगतान होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, आप उनको बाद में क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो अगर बोलेगी कि उसमें भी आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इतने समय के भीतर वो चार्जेस पोस्ट ऑफिस में पे करने हैं, बट उस समय तक आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बोलेगी अगर उस समय तक ना करें तो कितनी पेनल्टी देनी होगी, 8%, 10%, 14% या फिर 12%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 12%। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ क्या है, 12% किस चीज़ के ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे, तो जो भी आपके BNPL चार्जेस बने होंगे उनका 12% उसके ऊपर आपसे पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, एन इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेनिंग वैल्यूएबल हैड कम टू पोस्ट ऑफिस फॉर ए डिसीज्ड पर्सन बट शुड वी डूइंग, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसके नाम पर अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल आता है जिसमें कोई वैल्यूएबल सामान है तो उस आर्टिकल के साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, टू बी डिलीवर्ड टू दी लीगल हायर, कानूनी वारिस जो भी होगा उसको दिया जाएगा वो आर्टिकल, टू बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, उसको लावारिस वस्तु के रूप में माना जाएगा, टू बी हैंडेड ओवर एट दी एड्रेस, तो यहाँ पे बोला गया कि अभिभाषक को सौंपा जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया हमारे पास सेंट टू डिविजनल ऑफिस, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसी ऑप्शन में क्या है आपका, टू बी हैंडेड ओवर टू, एड्रेस ही नहीं है यहाँ पे, एड्रेस होगा, ठीक है, अकेला उसके एड्रेस पे ऊपर जो भी मिलेगा उसको सौंपा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास बी, टू बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, उसको लावारिस वस्तु के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, द सिंबल एफ इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिट काइंड ऑफ मेल बैग, किस प्रकार के मेल बैग के लिए एफ सिंबल का यूज किया जाता है, कैश बैग, इंश्योर्ड बैग, पार्सल या फिर फॉरवर्ड बैग। तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, कैश बैग के लिए एफ सिंबल का यूज किया जाता है, अगर किसी भी रजिस्टर्ड बैग के अंदर कैश बैग है तो जो भी लिस्ट होगी उसमें किस सिंबल से इसको डिनोट किया जाएगा, एफ सिंबल से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलेंगे, इफ द पे ऑफ ए मनी ऑर्डर कैन नॉट बी फाउंड और इफ द पे रिफ्यूजेस टू टेक पेमेंट ऑफ द मनी ऑर्डर, द अमाउंट ऑफ द मनी ऑर्डर बिल वी, यदि किसी मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता नहीं मिल पाता है या यदि प्रदाता मनी ऑर्डर का भुगतान लेने से इनकार कर देता है तो मनी ऑर्डर की जो राशि होगी उसको क्या किया जाएगा, कैप्ट एट पोस्ट ऑफिस, डाकघर में उसको रखा जाएगा, रिटर्न टू रिमिटर फ्री ऑफ चार्ज, या फिर जो प्रेषक होगा उसको निःशुल्क वापस लौटा दिया जाएगा, बोथ एंड वी, नन ऑफ दी ऑफ। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास बी, रिटर्न टू रिमिटर फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्लैटली इज, तो फ्लैटली क्या है हमारे पास, दी हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन करने का शौक, द सेलिंग ऑफ पोस्ट कार्ड, द बुकिंग ऑफ लेटर्स, द स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए, द हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक और पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी करना। हु इज करंटली एलिजिबल फॉर टेकिंग अ PLI इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हमारे पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको लेने का पात्र कौन है, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारी, न्यायाधीश और वकील, या फिर ऊपर के सभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव, जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, एम्प्लॉइज ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये सारे ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेने के हकदार
बैंड एज अ पीएलआई पॉलिसी बिकम्स पेएबल विद द बोनस अकर्ड ऑन इट, एक पीएलआई पॉलिसी उस पर अर्जित बोनस के साथ कब दे होती है, यानी कि कब उसको क्या किया जाता है, जो भी उसका बोनस अकर्ड होता है और जो भी उसकी वैल्यू होती है वो दी जाती है। व्हेन द इंश्योरेंस अटेन्स द एज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, जब बीमाकर्ता पॉलिसी में निर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है। ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरेंट बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, तो यहाँ पे हमें बताने कि कौन सा प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंडर आता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए क्या बोला गया, एनी इनडिसेंट और ऑब्सीन प्रिंटिंग पेंटिंग फोटोग्राफ, कोई भी अश्लील या फिर पेंटिंग होगी प्रिंटिंग या फिर फोटोग्राफ, एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, कुछ समय के लिए लागू किसी भी अधिनियम का खंडन करने वाला कोई आर्टिकल, एनी डेंजरस एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, कोई भी खतरनाक या फिर विस्फोटक पदार्थ, ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही हमारे पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्पीड पोस्ट आर्टिकल इन इंडिया कैन हैव अ मैक्सिमम वेट ऑफ, भारत में एक स्पीड पोस्ट लेह का जो अधिकतम भार है वो कितना हो सकता है, 10 किलोग्राम, 35, 50 या फिर 60 किलोग्राम, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 35 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर ओपनिंग ऑफ, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, तो किस अकाउंट के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ती है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, यहाँ पे सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, टीडी अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दी वो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, इन सभी के लिए पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, एक पत्र का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए, तो ऑप्शंस यहाँ पे बोली है 2 किलोग्राम, 1, 3 या फिर 500 ग्राम, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 2 किलोग्राम्स हो सकता है मैक्सिमम वेट किसी भी लेटर का। बीच स्टैम्प्स आर यूज्ड टू कमेमोरेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाओं को मनाने के लिए किन डाक टिकट का उपयोग किया जाता है, रेवेन्यू स्टैम्प्स, कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स, सर्विस स्टैम्प्स या फिर माई स्टैम्प्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे होगा बी, कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो होती हैं स्मारक टिकटें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सब पोस्ट ऑफिस इज नोन एज, उप डाकघर के प्रभारी अधिकारी जो होते हैं किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें, सब पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर, उसके बाद बोला गया है सेंटर पोस्टमैन या फिर बोला गया इंस्पेक्टर पोस्ट, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास ए, सब पोस्टमास्टर कहा जाता है, किसी भी सब ऑफिस का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो कौन होगा, सब पोस्टमास्टर होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेन्ड इन अ पोस्ट बैग, तो यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन से, ये जितने भी ऑप्शन दी गई हैं इनमें से कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो पोस्ट बैग के अंदर, सॉरी यहाँ पे क्या है, स्पीड पोस्ट बैग के अंदर होंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या बोली गई हैं, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर्स, स्पीड पोस्ट लिस्ट, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तो एक स्पीड पोस्ट बैग जो होता है उसमें हमारे पास स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स भी होते हैं, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर्स भी होते हैं और स्पीड पोस्ट लिस्ट भी होगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। द फेस ऑफ एन आर्टिकल इज, तो यहाँ पे पूछा गया कि किसी भी आर्टिकल का मुख किसे कहा जाएगा, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, द साइड ऑन विच द एड्रेस इज रिटन, जिस साइड पे क्या किया जाता है, पता लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, किसी भी आर्टिकल का फेस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेट लेटर्स, तो जो हमारे पास विलंबित पत्र होते हैं उनके संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई, लेट लेटर्स आर प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो लेट लेटर्स होते हैं उनको पोस्ट ऑफिस की विंडो पर प्रेजेंट किया जाता है, लेके आया जाता है। लेट लेटर्स कैन बी पोस्टेड आफ्टर द क्लोजिंग आवर्स प्रेस्क्राइब्ड बट विद इन द इंटरवल अलाउड फॉर पोस्टिंग ऑफ सच लेटर्स विद द प्रेस्क्राइब्ड लेट फी इन एडिशन टू पोस्टेज, दूसरा बोला गया है कि लेट लेटर्स जो होते हैं इनको डाक, किसी भी निर्धारित डाक को बंद करने के निर्धारित समय के बाद लाया जाता है, बट यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें एक इंटरवल दिया जाता है उसके भीतर लाया जाता है जिसमें कि आप लेट फीस और एडिशनल पोस्टेज चार्जेस जो भी होंगे, ठीक है, पोस्टेज चार्जेस प्लस उसके एडिशन में आप लेट फीस लगाकर उसको भेजते हैं, उसको बोला जाएगा बोथ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा यह आएगा हमारे पास सी, दोनों ही ऊपर की ऑप्शन सही है लेट लेटर के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बट डज डी एम एस एल स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे डी एम एस एल क्या होता है, ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट, डेमी मेल एंड सेक्शन लिस्ट, डिलेड मेल सेक्शन लिस्ट या फिर बोला गया डिस्पैच्ड मेल सीरियल लिस्ट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए,
ड्यू मेल एंड सोर्टिंग लिस्ट जो होती है, ये DMSL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच टाइप ऑफ आर्टिकल इज अ वर्नाक्यूलर आर्टिकल ऑन विच द इनकोरेक्ट डेस्टिनेशन हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाई द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। किस प्रकार का लेख एक स्थानीय भाषा का लेख है जिस पर पोस्टिंग के कार्यालय द्वारा गलत गंतव्य लिख दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होगा, जब भी वो किसी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस को ट्रांसक्रिप्ट करेगा तो वो इंग्लिश में उसके ऊपर एड्रेस लिखेगा। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के द्वारा किसी आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा गया है इंग्लिश में वो गलत लिख दिया गया, तो उस आर्टिकल को क्या कहा जाएगा? मिस सेंट आर्टिकल, ट्रायल कार्ड, मिस डायरेक्टेड आर्टिकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस डायरेक्टेड आर्टिकल, तो गलत निर्देशित लेख उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी, आएगी हमारे पास सी। गुजरात सर्कल हैज दी फॉलोइंग ज्यूरिडिक्शन, गुजरात सर्कल के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है? गुजरात स्टेट ओनली, गुजरात स्टेट एंड दमन, गुजरात स्टेट एंड दमन एंड दीव। उसके बाद बोला गया है गुजरात स्टेट एंड दीव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, आएगा सी, गुजरात। उसके बाद दमन और दीव भी हमारे पास गुजरात सर्कल के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, हाउ आर नाइट पोस्ट ऑफिसेज डिफरेंट फ्रॉम अदर पोस्ट ऑफिसेज, रात्रि डाकघर अन्य डाकघरों से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हैं, दे फंक्शन ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज, वे रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी काम करते हैं, दे फंक्शन ओनली एट नाइट, दे डू नॉट बुक आर्टिकल्स, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, दे फंक्शन ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज। जो भी हमारे पास नेशनल हॉलीडेज होती हैं या संडे वाले दिन भी ये काम करते हैं, इस तरह ये बाकी पोस्ट ऑफिस से अलग हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट इशूड बाई पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे बोला गया कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा? पोस्ट कार्ड्स, कॉइन्स, स्टैंप्स या फिर इनलाइन लेटर कार्ड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कॉइन्स जो है ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे हमारे पास, बट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लैटली ब्यूरो, डाक ब्यूरो जो डाक टिकट ब्यूरो है इसका मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे बोला गया टू प्रैक्टिस फिलोसफी, उसके बाद बोला गया टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी, टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ फिलैटलिस्ट्स एंड स्टैंप कलेक्टर्स, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और स्टैंप ग्राहकों की जरूरतों को देखने के लिए, टू बुक अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, यहाँ पे बोला गया कि पंजीकृत समाचार पत्र बुक करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फिलैटलिस्ट्स एंड द स्टैंप कलेक्टर्स, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्लैटली ब्यूरोज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, फॉर द यूज ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन बट इज नेसेसरी, अगर किसी ने भी फ्रैंकिंग मशीन का यूज करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? अ वैलिड लाइसेंस इशूड बाई द हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा इशू किया गया एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मशीन, मशीन का नॉलेज होना चाहिए, एन ओवरसीज एड्रेस प्रूफ, एक विदेशी पते का प्रमाण होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ए वैलिड लाइसेंस इशूड बाई हेड ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, कॉइन, बुलियन, करेंसी और बैंक नोट्स शुड बी सेंट बाई, तो जो सिक्के होते हैं, बुलियन होते हैं, करेंसी या बैंक नोट्स होते हैं, इनको कैसे भेजा जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या बोली गए हमारे पास, अनरजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, इंश्योर्ड पोस्ट के द्वारा, अनरजिस्टर्ड पार्सल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे पास कॉइन्स, बुलियन, करेंसी और बैंक नोट्स होते हैं, इनको केवल इंश्योर्ड करवा के ही भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी, आएगी हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हेन पोस्टिंग ए लेटर ऑन विच स्टैंप्स आर फिक्स्ड एज प्री पेमेंट चार्जेस बट इज जनरली एडवाइज्ड टू पब्लिक। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस हैं उनका भुगतान करने के लिए पोस्टेज स्टैंप्स का यूज किया गया है तो जनता को क्या सलाह दी जाती है, पब्लिक को क्या एडवाइस दी जाती है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली है, टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंप्स ऑफ अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशंस, उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के टिकटों की न्यूनतम संख्या का उपयोग किया जाए, यानी कि एक एक रुपए की स्टैंप्स चिपकाने की बजाय अगर आपने 5 स्टैंप्स लगानी है, 5 रुपए के उसके ऊपर चार्जेस लगने हैं, तो आप 5 रुपए की एक अकेली स्टैंप चिपकाओ, इस चीज के लिए सलाह दी जाती है। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास, सो यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंप्स, ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टैंप्स का यूज करने की सलाह दी जाती है, टू नॉट यूज एनी स्टैंप्स, कोई भी स्टैंप्स ना यूज करने की सलाह दी जाती है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये होगा हमारे पास ए, टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंप्स ऑफ अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशंस। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन ओनली बी डिलीवर्ड टू, जो पंजीकृत वस्तु होती है किसको डिलीवर की जाएगी,
द एड्रेसी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो यहाँ पे बोला कि जो भी प्रेषक है उसको, द एजेंट ऑफ द एड्रेसी ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द एड्रेसी, या फिर उस एजेंट को दी जाएगी जिसे एड्रेसी ने ऑथराइज किया है, वो भी रिटन में देके, ठीक है। बोथ एंड बी नन ऑफ दी ऑफ, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, या तो एड्रेसी को दिया जाएगा या फिर ऑथराइज्ड एजेंट को, वो भी रिटन में होना चाहिए, ऑथराइज ऐसे बोला हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, पार्सल अबव 10 kg विच आर टू बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो शुड बी क्लेम्ड बाई एड्रेसी विद इन, तो देखिए अगर 10 किलोग्राम से ऊपर का कोई भी पार्सल है तो मेन चीज उसकी डिलीवरी कहाँ पे होगी, पोस्ट ऑफिस विंडो में होगी, उसको डिलीवरी के लिए एक भी बार इशू नहीं किया जाएगा, और 10 किलो से नीचे अगर पार्सल होगा तो उसको डिलीवरी के लिए सिर्फ एक बार ही इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 10 किलोग्राम के ऊपर के पार्सल जो केवल डाकघर की खिड़की पर ही डिलीवर किए जाने हैं उनका दावा प्राप्तकर्ता द्वारा कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए, 7 दिन, 8, 10 या फिर 30 दिन, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 7 दिन के भीतर। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास, द पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर इज जनरली मेड, मनी ऑर्डर का भुगतान आमतौर पर किया जाता है एट द एड्रेस ऑफ पे, एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, एट द एड्रेस ऑफ सेंडर, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, एट द एड्रेस ऑफ पे, प्राप्तकर्ता के पते पर किया जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन आर ऑर्डिनरली डेल्ट एज मृतक व्यक्ति को संबोधित लेख, आमतौर पर उनका जो निपटान है वो कैसे किया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, अनक्लेम्ड आर्टिकल, डैमेज्ड आर्टिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी, उनको लावारिस लेख माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इन केसेस वेयर द ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड बी डिलेड By the dispatch or delivery at the same time of book patterns and sample packets or parcels, such articles may be held back in the office of posting for a period not exceeding, तो important ये question है और question को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया, मान लीजिए आपके पास पोस्ट ऑफिस में 3 प्रकार के आर्टिकल्स हैं, एक है आपके पास सैंपल पैकेट्स, दूसरा है आपके पास पार्सल्स, ठीक है, ये दो हो गए, एक आपके पास बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट है, दूसरा है पार्सल और तीसरा है आपके पास लेटर यानी कि पत्र है, ठीक है। अब तीनों में क्या बोला गया है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, सैंपल पैकेट या फिर पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, उसका वितरण कर रहे हैं या उसका प्रेषण कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो पत्र आपके पास है उसके प्रेषण या फिर डिलीवरी में देरी हो रही है, यानी कि अगर आप उनका डिलीवरी पहले करते हैं जो सैंपल पैकेट है या पैटर्न पैकेट है या फिर पार्सल है, तो जो पत्र है उसकी डिलीवरी में देरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट होगा या फिर पार्सल होगा उसको पोस्ट ऑफिस में, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग जो भी होगा, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, 1 दिन के अंतराल के लिए रोक के रखा जाता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन से होगी हमारे पास, 1 दिन के लिए, 1 दिन से ज्यादा नहीं रोका जाएगा, बट उनको 1 दिन के लिए रोका जा सकता है जो बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या फिर पार्सल होगा। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स को रोक के रखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट और पार्सल को, और तीसरी चीज हमारे पास 1 दिन के लिए रोक के रखा जाएगा, और किस आर्टिकल्स की स्थिति में, लेटर्स अगर आपके देर हो रहे हो, ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसिबल, यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा स्वीकार्य है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गई, द रेंटर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑफ द रेंट पेड बाई हिम फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स, किराएदार पोस्ट बॉक्स के आवंटन के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की वापसी का दावा करने का हकदार है, तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। दूसरा क्या बोला गया हमारे पास, द रेंटर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रेंट पेड इन रजिस्टर्ड ऑफ पोस्ट बॉक्स अगेंस्ट रेंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू इन अदर पोस्ट बॉक्स, यहाँ पे बोला गया कि अगर उसने किसी एक पोस्ट बॉक्स के लिए जो किराया दिया हुआ है उसको दूसरे पोस्ट बॉक्स के किराए में कभी भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला गया, क्लेम कैन बी एडमिटेड फॉर रिफंड ऑफ रेंट फॉर ए पोस्ट बॉक्स इफ द क्लेम रीचेस द पोस्ट मास्टर बिफोर अलॉटमेंट, पोस्ट बॉक्स के किराए की वापसी के लिए दावा स्वीकार किया जा सकता है यदि दावा आवंटन से पहले पोस्ट मास्टर तक पहुंच जाता है, तो दोनों ही हमारे पास सही है, इन दोनों को आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी एक पोस्ट बॉक्स के लिए किराया दिया हो तो उसको दूसरे पोस्ट बॉक्स के किराए में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर हमारे पास क्या है कि पोस्ट बॉक्स अलॉट होने से पहले रिटर्न में रिफंड के लिए पोस्ट मास्टर के पास क्या पहुंच जाती है, अब जो भी क्लेम है वो पहुंच जाता है, तो उस चीज़ में पोस्ट मास्टर उसमें पूरा या फिर उसका कुछ एक हिस्सा जो है रिफंड कर सकता है।
क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है ये किसमें उपलब्ध नहीं है, आप पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते हैं, व्यक्तिगत संचार नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गई हैं, लेटर्स, उसके बाद बोला गया हमारे पास बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स इन अ लेटर कार्ड या फिर एरोग्राम, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, ऐसे बुक पैकेट्स जिनमें पत्रिकाएं होती हैं उनमें आप कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पेमेंट ऑफ पोस्टेज थ्रू फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन कैन बी मेड, डाक का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन के माध्यम से किया जा सकता है अप टू एनी अमाउंट, किसी भी राशि तक अप टू 50 रुपीज़, 100 या फिर 500 रुपीज़, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास से अप टू एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट तक किया जा सकता है। बट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड पार्सल्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज ए डायरेक्ट पार्सल बैग टू बी डिलीवरी ए पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे लगेगा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में सीधे पार्सल बैग को बंद करने के लिए कितने पंजीकृत बीमित पार्सल की आवश्यकता होती है, 3 और मोर, 7 और मोर, 10 और मोर, 5 और मोर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा यह आएगा हमारे पास सी, 10 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, यूनिट बैग ऑफिस बिल सेंड्स इट्स डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू, यूनिट बैग ऑफिस जो होता है अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट किसको भेजता है, लोकल हेड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर SRMS ऑफिस, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा यह आएगा हमारे पास बी, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मार्क करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे से ऑप्शन हमें बतानी है, एन अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन SO एंड HO, बिल्कुल सही है, जो अकाउंट बैग होता है उसका उपयोग HO और SO के बीच में किया जाता है, जब SO टू HO, अकाउंट बैग कंटेन्स SO डेली अकाउंट, जब SO से HO के लिए अकाउंट बैग जाएगा तो इसमें SO डेली अकाउंट रहेगा, और दूसरा बोला गया HO टू SO जब आता है ये तो इसमें SO स्लिप होती है, तो ये हमारे पास तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ई पोस्ट सर्विस कमेंस्ड ऑन, तो यहाँ पे बोला गया ई पोस्ट सर्विस जो है इसकी शुरुआत कब हुई, ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गई हमारे पास, 2 अगस्त 2001, जून 2005, उसके बाद बोला गया हमारे पास 1 अप्रैल 2001 या फिर अगस्त 2002, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं है, 30 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत हुई है ई पोस्ट की, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 30 जनवरी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सस्पेक्टेड केसेस ऑफ रीयूज ऑफ यूज्ड स्टैम्प्स ऑन दी आर्टिकल्स रिसीव्ड इन ट्रांसमिशन फ्रॉम BO शुड बी रिपोर्टेड टू, BO से प्रेषण में प्राप्त वस्तु पर प्रयुक्त टिकटों के पुनः उपयोग के संदिग्ध मामलों की जो सूचना होगी वो किसको दी जाएगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब डिविजनल इंस्पेक्टर या फिर नन ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आएगा सी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर को दी जाएगी। साइज लिमिट ऑफ फोल्डेड इनलैंड लेटर कार्ड इज, मुड़े हुए अंतर्देशीय पत्र कार्ड की आकार सीमा जो है वो क्या है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, मिनिमम 15.2 × 9 cm और मैक्सिमम 21 × 10 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया वीपी आर्टिकल कैन बी बुकड अप टू, वीपी आर्टिकल को कितने रुपए तक, यानी कि जो हमारा वैल्यू पेबल आर्टिकल होगा उसको कितने रुपए तक बुक किया जा सकता है, 2000, 5000, 20000 या फिर नो लिमिट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 5000 रुपए तक किया जा सकता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम, तो डाकघर की कानूनी जिम्मेदारी जो है वो किससे, यानी कि डाकघर को किसमें कानून में छूट मिलती है, ऑप्शन यहाँ पे बोली कि एनी फॉल्ट कमिटेड बाई एम्प्लॉयज इन पर्सनल कैपेसिटी, व्यक्तिगत क्षमता में कर्मचारी द्वारा की गई कोई भी गलती, यानी कि हमारे पास अगर डाकघर के कोई भी कर्मचारी के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उस चीज़ के लिए उसका कानून में छूट है। नेक्स्ट बोला गया लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ओ डैमेज टू एनी पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, डाकघर द्वारा प्रसारण के द्वारा किसी भी वस्तु की हानि, गलत स्पुर्दगी, देरी या फिर क्षति होने में। नेक्स्ट क्या बोला गया रोंग पेमेंट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ फॉरन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर्स इशूड इन इंडिया, भारत में जारी मनी ऑर्डर का विदेशी डाक प्रशासन द्वारा गलत भुगतान या भुगतान में देरी, ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी, ये सारी ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि हमारे पास इन सभी में पोस्ट ऑफिस को कानूनी रूप से छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया मनी ऑर्डर एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर, तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि अगर कोई मनी ऑर्डर है पोस्ट बॉक्स नंबर देके भेजा जाता है, ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हैं कैन नॉट बी बुक्ड, कैन बी बुक्ड ओनली इन HO, कैन बी बुक्ड इन SO। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास बिल वी पेड थ्रू दी पोस्टमैन सो लॉन्ग दी पर्सन फर्म रेंट्स दी पोस्ट बॉक्स, पोस्टमैन के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जब तक व्यक्ति फर्म और पोस्ट बॉक्स का किराए पर
लेता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। देखिए इस क्वेश्चन में पहले कन्फ्यूजन था कि कैन नॉट बी बुक्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही बोली गई है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे, बिल बी पेड थ्रू द पोस्टमैन, अगर उस व्यक्ति के नाम पर पोस्ट बॉक्स है तो उसको क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को पोस्टमैन के थ्रू उसकी डिलीवरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, ई आई ओ डी इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल फॉर कस्टमर्स ऑफ, तो किसके किन कस्टमर्स के लिए ये वाली सुविधा उपलब्ध होती है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गया, स्पीड पोस्ट सर्विस, बल्क कस्टमर्स रजिस्टरिंग देमसेल्व्स फॉर द सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट रिटेल, या फिर स्पीड पोस्ट सर्विस वांटिंग एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, बल्क कस्टमर्स रजिस्टरिंग देमसेल्व्स फॉर द सर्विस, सेवा के लिए खुद को पंजीकृत करने वाले थोक ग्राहक के ये वाली सर्विस जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी मिलती है। फार फ्रैंकिंग पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन ऑफ अ फ्रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ डाई, तो यहाँ पे बोला गया पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन के लिए फ्रैंक का इंप्रेशन जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, बोथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास सी, बोथ दी अबव, लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच मेल सर्विस इज अवेलेबल बिटवीन ऑल द कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, द यूनियन टेरिटरीज एंड सम अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स ओनली इन इंडिया, भारत के सभी राज्यों की सभी राजधानी शहरों, केंद्र शासित प्रदेशों और केवल भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों के बीच कौन सी सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया, क्विक मेल सर्विस, बिल मेल सर्विस, कॉन्फिडेंशियल मेल सर्विस, या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, क्विक मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट इज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बोला गया है सामान्य परिस्थितियों में जो बुक पैकेट होता है उसका मैक्सिमम वेट कितना, 7, 6, 5 या फिर 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, 5 किलोग्राम। एन आर्टिकल लेटर विद इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 1000 शुड बी डिलीवर थ्रू, तो यहाँ पे बोला गया 1000 रुपये के लिए बीमा बीमित कोई भी अगर पत्र है तो उसका जो वितरण है या उसकी जो डिलीवरी है वो कैसे की जाएगी, पोस्टमैन टू दी एड्रेस ओनली, केवल डाकिये के द्वारा, थ्रू स्पेशल मैसेंजर विशेष संदेश वाहक के द्वारा, पोस्टमैन टू दी पर्सन ऑथराइज्ड बाय एड्रेसी, या डाकिये के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को की जाएगी, पोस्ट ऑफिस विंडो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, उसकी जो डिलीवरी होगी सिर्फ पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ए बुक पैकेट मे नॉट कंटेन, एक बुक पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हैं, बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स, प्रिंटेड नोटिसेस, सर्कुलर्स, कोर्ट समन्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आएगा सी, कोर्ट समन्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बोला गया, लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन लैंड और फॉरन आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली, डाकघर में यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी अंतर्देशीय वस्तु या फिर फॉरेन आर्टिकल रिसीव होता है तो उसको डिटेन करने की जो अवधि है, जो पीरियड है वो कितना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम पहले भी कर चुके हैं, 7 दिन हमारे पास इनलाइन लेटर के लिए और 15 डेज हमारे पास फॉरेन आर्टिकल्स के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, बीच ऑफ दी फॉल बीच ऑफ ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट ऑफ अंडर मेंशनड आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड, निम्न लेखों का अंतर्देशीय डाक द्वारा कौन सा, यहाँ पे हमें बताना है कि जिसका जो प्रेषण है, प्रसारण है, जो ट्रांसमिशन है वो निषिद्ध। ऑप्शन यहाँ पे बोले गए, यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, कोई भी नुकीला उपकरण जो ठीक तरह से संरक्षित नहीं किया गया, गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ वैल्यू एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। यहाँ पे बोला गया कि सोने के सिक्के, बुलियन से जिनकी वैल्यू है 10,000 रुपये से देखो, एनी एक्सप्लोजिव, इनफ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्थी, नोक्शियस और डिलीटिशियस सब्सटेंसेस, कोई भी विस्फोटक, ज्वलनशील या फिर गंदी हानिकारक ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं भेजा सकता, या ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही हमारे पास इनलैंड ट्रांसमिशन के लिए निषिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल इफ द एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विद इन द डेज ऑफ प्रेजेंटेशन लास्ट सेंट आउट डिलीवरी द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर डिलीवरी टू द सेंडर। एक पंजीकृत लेख के मामले में यदि प्राप्तकर्ता प्रस्तुति के जनिए जब उसको आर्टिकल डिलीवरी के लिए फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था या लास्ट टाइम डिलीवरी के लिए इशू किया गया था, भेजा गया था, उसके बाद कितने दिन के लिए पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाएगा, उसको 7 दिन, 6, 5 या फिर 3 दिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास ए, 7 दिन के लिए उसको रोक के रखा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, कलर ऑफ फ्रैंकिंग इंप्रेशन शुड बी ऑफ, फ्रैंकिंग इंप्रेशन का रंग क्या होना चाहिए। तो आज इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे आपका रेड कलर नहीं है, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ब्लू कलर है। पहले ऑप्शन आई थी आपके पास एक क्वेश्चन पेपर में, उसमें आपका रेड कलर दिया ही नहीं था, दूसरी ऑप्शन यहाँ पे बोली गया, तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से जो आंसर है यहाँ पर भी ब्लू कलर दिया हुआ है, तो आप इसको ही मेंशन करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ पार्सल शुड नॉट एक्सीडेड, एंड यहाँ पे बोला गया लेंथ एंड गिर्थ कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड, एक पार्सल की लंबाई कितने से दिखनी होनी चाहिए और लंबाई और परिधि अगर दोनों को ऐड किया जाए तो कितने से दिख नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गए, 1 मीटर एंड 1.80 मीटर, 1.80 मीटर एंड 1 मीटर, 1 मीटर एंड 0.80 मीटर, 0.80 मीटर एंड 1 मीटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ए, 1 मीटर इसकी लेंथ मैक्सिमम और 1.80 अगर लेंथ प्लस गिर्थ दोनों को जोड़ा जाए। इन केस ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ ईपीपी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जो पार्सल होता है एक्सप्रेस पार्सल वाला, तो कंपनसेशन इज पेड अप टू अ मैक्सिमम इन, तो यहाँ पे बोला गया कंपनसेशन जो मैक्सिमम दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 100, 500, 200 या फिर 1000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 500 रुपीज। रीडायरेक्शन फी ऑफ पार्सल विद इन डिलीवरी एरिया ऑफ द ओरिजिनल एड्रेस इन केस ऑफ अनक्लेम्ड पार्सल, लावारिस पार्सल के मामले में मूल पते के वितरण क्षेत्र के भीतर पार्सल का पुनर्निर्देशन जो शुल्क होगा वो कितना लिया जाएगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हमारे पास 9 रुपये, 6 रुपये, 31 या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर इज रिमिटेड बाय द, एक परिवार आवंटन मनी ऑर्डर जो होता है किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है, डिफेंस अथॉरिटीज, टेलीकॉम अथॉरिटीज, जनरल मेंबर्स ऑफ पब्लिक या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ए, डिफेंस अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हेन डिड द वीपी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड, जो हमारे पास वीपी सिस्टम है इसकी शुरुआत कब हुई, 1877, 1882, 80 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 1877 में की गई। एट लीस्ट कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर पोस्टेड एट ए टाइम इन केस ऑफ इनलैंड डेस्टिनेशन, अंतर्देशीय गंतव्यों के मामले में एक बार में पंजीकृत समाचार पत्रों की कम से कम कितनी प्रतियां पोस्ट की जाती हैं, 100, 50, 75 या फिर 60। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, एट लीस्ट 100 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए, द वेट ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड 3 ग्राम्स, निजी तौर पर निर्मित पत्र कार्ड का वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑफिशियल आंसर किया उसके हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला सही है, द वेट ऑफ लेटर शुड नॉट एक्सीड 4 किलोग्राम्स, तो ये हमारे पास गलत है क्योंकि एक पत्र का वजन 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। द वेट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 35 किलोग्राम्स, तो यहाँ पे बोला गया कि जो रजिस्टर्ड पार्सल है उसका वजन 35 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास गलत है, स्पीड पोस्ट के लिए 35 किलोग्राम है। The weight of book packet should not exceed 2 kg, तो यहाँ पे 5 kg होना चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे पास जो सही ऑप्शन बचती है लास्ट में वो यही बचती है कि जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड होता है उसका वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, वर्किंग ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस जनरली फिक्स्ड बाई, तो यहाँ पे बोला गया कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है किसके द्वारा फिक्स की जाती है, हेड ऑफ सर्कल, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, पोस्टमास्टर जनरल या फिर सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। कुछ कन्फ्यूजन है इसमें कि हमारे पास यहाँ पे डीजी होना चाहिए, नाइट पोस्ट ऑफिस, देखिए कोई भी पोस्ट ऑफिस है उसके वर्किंग आवर्स हेड ऑफ सर्कल के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। तो अगर बढ़ाने की बात की जाए, अगर नाइट पोस्ट ऑफिस के बात की जाए 8:30 PM तक उनको कौन खुला रख सकता है, तो वो डायरेक्टर जनरल पोस्ट होगा, ठीक है, अगर बढ़ाने की बात की है तो, नहीं तो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ही फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, बट इज द पीरियड फॉर प्रेफरिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिसकरेज लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, सो पोस्टल ऑर्डर्स के संबंध में अगर पोस्टल ऑर्डर जब वो गुम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आपकी कंप्लेंट्स होंगी वो कितने समय के भीतर देनी होंगी, 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू, 12 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, 3 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, 1 month फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 12 महीने के भीतर आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट क्लास मेल, तो प्रथम श्रेणी की मेल में कौन सा नहीं आता है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड या फिर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट फर्स्ट क्लास मेल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लेटर शुड नॉट वे मोर देन, एक पत्र का अधिकतम वजन किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 1, 2, 5 या फिर 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज इट विल बी कैप्ट इन पोस्ट ऑफिस, यदि किसी वस्तु को लेने से अस्वीकार किया जाता है तो उसे कितने समय के लिए डाकघर में रखा जाएगा, 7 दिन, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली 30 या फिर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, उसको प्रेषक को तुरंत लौटा दिया जाएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ज़रूर अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप उस चीज़ के लिए कमेंट जरूर कीजिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैथमेटिक्स के चैनल का, जहाँ पर आपको अलग अलग जो भी आपके क्वेश्चन से संबंधित आपके मेथड यूज़ होते हैं किसी भी आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।